गरीब का पढ़ाई मैजिकल पेंसिल। बंटी गांव के म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ रहा था। उसके पिताजी नहीं थे। उसकी माँ मजदूरी का काम करते हुए मेहनत करके बेटे को पाल पोस रही थी। बंटी पढ़ाई में बहुत अच्छा था, हमेशा फर्स्ट रैंक लाता था, इसीलिए उसका नाम बहुत अच्छे विद्यार्थियों में था। एक दिन उनके सोशल टीचर बच्चों को होमवर्क देती हुई, बच्चों मनुष्य देवता जैसे पेड़ को अपने स्वार्थ के लिए, फल के लिए किस तरह निर्दय होकर काटते हैं, उस विषय पर एक निबंध लिखकर एक ड्राइंग शीट में अलग अलग रंग से फल और फूल ड्रॉ करके कल ही लेकर आना है। जो भी अच्छे से करेगा उसको परसों चिल्ड्रन डे के दिन कलेक्टर जी गोल्ड मेडल देंगे, यूं बोली। बंटी स्कूल से घर आकर माँ माँ पुकारते हुए आसपास देख रहा था। तभी पड़ोसी आकर तेरी माँ मजदूरी का काम करने गई है, मेस्त्री ने बोला है रात भर काम करना पड़ेगा, नया घर बन रहा है वहाँ जा रही हूँ कहते हुए तुझे खाना खिलाने का बोल रही थी, यूं बोली बंटी। मुझे भूख नहीं है आंटी, मुझे जल्दी माँ के पास जाना है पेंसिल खरीदने के लिए, कहते हुए जल्दी से निकल गया। बंटी जाते ही उसकी माँ सर के ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखकर उसमें ईंट उठाते हुए दिखाई दी। बंटी, माँ हमारी टीचर ने एक बड़ा होमवर्क दिया है, रात भर काम करके सुबह ही देना होगा, मुझे 10 कलर पेंसिल और एक ड्राइंग शीट खरीदना है, पैसे दो। तब वो, अरे मुझे काम के पैसे काम होने के बाद, मतलब कल सुबह देंगे बेटा। बंटी, मुझे अभी चाहिए, मिस्त्री को पैसे पूछो ना। माँ, अरे ये मिस्त्री काम किए बगैर एक पैसा भी नहीं देता बेटा, लेकिन तुम्हारी टीचर ने जो दिया है वो काम कल पूरा करके परसों भी तो दे सकते हो ना। बंटी, होमवर्क कर ली देना है माँ, कहते हुए वहां से निराश होकर चले गया। रास्ते में एक जगह रुककर पेड़ का सहारा लेकर वहां बैठा था, खुद से खुद ही बात कर रहा था। अंधेरा हो रहा है, कैसे खरीदूं पेंसिल, लेकिन पेंसिल तो पेड़ से ही बनता है ना, टीचर ने कहा था कि पेड़ तो देवता जैसे होते हैं, इसीलिए इस पेड़ के देवता से ही प्रार्थना करता हूँ, वही अब मेरी पेंसिल का समाधान देगी, सोचते हुए जिस पेड़ के पास वो बैठा था उसे प्रणाम करते हुए, पेड़ देवता मुझे अच्छा सा निबंध लिखकर चित्र भी बनाना है, उसके लिए मुझे ड्राइंग शीट और रंग बिरंगी पेंसिल चाहिए, मेरी माँ के पास पैसे नहीं है, इसलिए आप ही मेरी कुछ सहायता कर दो देवता, रात भर बैठकर करूँगा तो ही होगा, तब जल्दी से दे दो, कहते हुए आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहा था। तभी पेड़ से एक आवाज आई, बेटा परेशान मत हो, घर जाकर दीप जलाओ, खाना खाने के बाद घर के आंगन पर आकर देखना, जो मांगा है मिल जाएगा, यूं सुनाई दिया। बंटी खुश होकर, ये पेड़ देवता देने वाले हैं, पेड़ देवता देने वाले हैं, चिल्लाते हुए घर की तरफ गया। बंटी जाते ही पेड़ के पीछे छिपे दो लड़कियां बाहर आई। एक लड़की, क्यों नहीं वनिजा, वो बच्चे के साथ खेल क्यों खेली, मुझे अच्छा नहीं लगा उसे देखकर, दया आ रही थी। तब दूसरी लड़की, खेल कुछ नहीं था, वो मेरे घर के गली के आखिरी झोपड़ी में रहता है, वो रोज स्कूल जाता है और मैं तभी कॉलेज जाती हूँ, उसे रोज देखती हूँ, उसका चेहरा देखकर मेरे छोटे भाई को देखे जैसे लगता है, ठीक है चलो शॉपिंग करनी है। लड़की, कल ही तो शॉपिंग किया ना, और क्या लेना है। वनजा, कलर पेंसिल्स, यूं बोली। बंटी घर पर खाना खाकर एक दीप जलाया और बाहर आया, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। बाहर छोटे से बेंच के ऊपर उसको जरूरत जो भी थी, वो ड्राइंग शीट्स, बुक, बेंच के बगल में एक छोटा सा पौधा का गमला, उसमें एक छोटा सा पेड़ जिसमें रंग बिरंगे पेंसिल्स अच्छे से लटकाए हुए थे। बंटी भक्ति से नमस्कार करते हुए, पेड़ देवता जो मुझे चाहिए था वो सब दे दिया, अब मैं अच्छे से होमवर्क करूँगा, कहकर टेबल के पास बैठकर होमवर्क करना शुरू किया। वहाँ से एक छोटा सा दीवार के पीछे से छिपके से वनजा और उसकी दोस्त खुशी से उसे देखकर चले गए। चिल्ड्रन डे के दिन कलेक्टर जी, अच्छे से निबंध लिखकर रंग बिरंगी चित्रों से तैयार किया हुआ होमवर्क देखकर मैं बंटी को गोल्ड मेडल दे रहा हूँ। और एक बात, इसमें लिखी हुई आखिरी लाइन कितनी अच्छी लिखी गई है, वो ये है, पेड़ को मत काटो, ऐसे निबंध लिखकर पेड़ से आई यही पेंसिल से ही मैं सब लिख रहा हूँ, उसके लिए वेरी सॉरी,
लेकिन हमारी टीचर ने कहा था, इसीलिए करना पड़ा। इतनी कम उम्र में बंटी की सोच ने मुझे आश्चर्य में डाल दिया है। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, जो पेड़ हमें देते हैं उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ पैसे कमाने के लिए उनको बेरहमी से काटना गलत है। इस विषय में बंटी जैसे लोग पेंसिल या कागज या स्लेट का इस्तेमाल करना गलत नहीं है, यही मेरा उद्देश्य है। कहते ही सबने तालियां मारी।